तो गाइस यार वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। तो आज इंट्रो आउट्रो कुछ नहीं होगा, इंट्रो कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि यार आपके बहुत कमेंट और डीएम आ रहे थे कि कौशल भाई आपके और मायरा के बीच में क्या हुआ है, और आपके मतलब कि आप बहुत गंदे कमेंट भी आ रहे थे, कौशल भाई आपने धोखा दे दिया मायरा को, आपने चीट किया मायरा को। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, चीट होता है, कुछ मजबूरी होती है, तो वही बताने में आए आपको। आज तीनों साथ बैठे हैं, तो जिस टाइम मैं साथ मिला था मायरा से, साथ मतलब कि रिलेशनशिप में आए थे, दिन सैम भाई भी साथ में थे। देखो जिस टाइम ये दोनों मिले थे मेरी वजह से मिले थे, अब इनका ब्रेकअप पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता कि क्यों हो रहा है। अब सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर पता लगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं नहीं आने वाली थी यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, बट आप लोग इतने सारे कमेंट आ रहे थे, इनफैक्ट मुझे भी बहुत लोगों ने डीएम किया क्या हुआ है क्या हुआ है, तो सबको एक साथ सोचा बताते, तो सोचा वीडियो बना लेते हैं। और ये कोई प्रैंक नहीं गए यार, ये अब हम अलग होना नहीं चाहते यार, बिल्कुल भी नहीं चाहते यार, बट होती है ना कुछ मजबूरी होती है, जो हम आपको बताएंगे आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो। आप इतना अच्छा कमेंट कर रहे थे मेरे लिए, मेरे साथ हो, मेरे को बहुत अच्छा लगा सच में कमेंट पढ़ के, बट इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ कि क्या है, क्या होने वाला है, क्या हुआ है जो ऐसा करना पड़ा हमें। और बात मतलब मुँह में कुछ बात ही नहीं आ रही, हम क्या बताऊँ यार आपको, ऐसी कुछ मजबूरी आ चुकी है ना यार, कुछ ऐसी बातें आ चुकी है ना बीच में कि यार बता नहीं पा रहा हूँ कैसे बताऊँ यार, कि आपने इतना सपोर्ट प्यार दिखाया मुझे यार मायरा के साथ लेके, कि मायरा के साथ आप बहुत अच्छे लगते हो। हाँ मानता हूँ मायरा के साथ बहुत अच्छा हूँ और लगता हूँ, अभी लग रहा हूँ, तो यार कुछ मजबूरी है यार, मैं कैसे बताऊँ यार। हमारी खुद हिम्मत नहीं थी यार आने की यहाँ पर, पिछले कुछ दिनों से सिर्फ रो ही रहे हैं और कुछ नहीं करते। मैं कैसे बताऊँ अब क्या हुआ है, कौशल भाई रोने की जरूरत नहीं है ना, तो इतना मतलब आज से पहले कभी इतना सैड नहीं हुआ, आप लोग देख रहे हो कौशल भाई इतने हम यार इतने मायरा भी बैठी हुई है, मैंने मना करा था कि इससे मत आ, लेकिन समझ में नहीं आया ये क्यों आ गई, तो मुझे ये बताओ क्यों नहीं आती यार। इतने लोग मुझसे प्यार करते हैं, हम दोनों को इतना पसंद करते हैं, उन सबको बताना जरूरी है कि नहीं। जब हम मिले थे तो तुम लोगों ने ही कैमरा लगाया था ना, हाँ तुम्हारा ही आइडिया था ना कि कौशल पे प्रैंक करते करते उसको प्रपोज करेंगे, तो आज जब हम अलग हो रहे हैं तो हम क्यों ना दिखाएं पब्लिक को। अब क्या क्या बताया लोग, क्या बताया अब ये बताओ ना, क्यों हो रहे हैं अलग, क्या बताया यहाँ पर आके तुम्हारी और इंटेंशन थी के दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि हम दोनों में मतलब कौशल मुझसे प्यार नहीं करते। आप क्या आपके डीएम कर रहे थे मेरे पास कि भाई आपने चीट किया, गलत किया, आपने अनसब्सक्राइब कर रहे हैं आपको, हम अनफॉलो कर रहे हैं आपको, आपको बात पता है क्यों हो रहे हैं हम। बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, वो रीजन आप लोग भी समझोगे ना, सुनोगे तो बोलोगे कि हाँ मतलब जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, अपने प्यार के लिए कर रहे हैं, और हमारे लिए बहुत मुश्किल है अलग होना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फ्रेंड्स ऐसे कैसे आप किसी को अनसब्सक्राइब कर सकते हो बिना किसी कोई सॉलिड रीज़न जाने, आपने ऐसे बोल दिया कि आपने मायरा को चीट कर दिया, ठीक है आपने पता है उसके पीछे की वजह क्या है, क्या रही क्या नहीं रही, पहले पूरी बात जानो समझो उसके बाद कोई रीज़न लो। आप पहले बोल के जा रहे हो कि हम अनसब्सक्राइब कर देंगे, ब्रेकअप तो इनका हो रहा है ना, एक बंदा पहले ही दुखी है आप और दुखी कर रहे हो उसको। तो गाइस यार आप लोगों सामने पता हम जान हम हंसी भी नहीं आते ना, तो हम जब भी हंसते हैं कि यार आप हमें देख के आप हंसो, ठीक है। और एक्चुअल में जो इंसान बाहर से ज़्यादा हंसता है ना, सबसे ज़्यादा दुखी वही अंदर से होता है। हमारे स्माइल के पीछे, कौशल के स्माइल के पीछे बहुत बड़ा दुख था जो आप लोगों ने हम में नहीं देखा। यार हम चाहते तो हम कुछ भी करके अलग हो जाते, हम नहीं बनाते वीडियो, ठीक है, हम ऐसे अलग हो जाते, मैं अपनी न्यू गर्लफ्रेंड ले आता वीडियो के अंदर, ठीक है, तो आप समझ जाते। और आप कुछ दिनों में भूल भी जाते मुझे। हाँ तो यार मैं एक ऐसा नहीं है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड भी लेके नहीं आऊँगा वीडियो में कभी भी, आगे भी अपनी गर्लफ्रेंड लेके नहीं आऊँगा, यार अलग हो रही है तो नहीं कि मैं दूसरी गर्लफ्रेंड लेके आऊँगा, ठीक है वीडियो के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, इससे प्यार था यार, बहुत ज़्यादा प्यार था। प्यार था यार, प्यार है, अब था है, मैं वही रहेगा ना बात, तो यार कुछ बात होती है ना यार, अब यही समझ यार मैं आपको क्या बताऊं। बस इतना कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया हमारे रिलेशनशिप पे, इतना अच्छा कमेंट करते थे आप लोग, साथ में अच्छे लगते हो, मतलब बहुत प्यार मिला सच में आप लोग इतने मायरा और कौशल को, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बट कहते हैं ना जहाँ इतनी सारी खुशियाँ मिलती है ना, वहाँ एक दुख जो छोटा सा दुख होता है ना, जब तीनों साथ में जाते थे ना कहीं भी, इतने मतलब खुश होके जाते थे, घूमते थे, आप व्लॉग देखते होंगे कितना अच्छे से हम घूमते थे फिरते थे, कितना मजे करते थे, एंजॉय करते थे यार, होती है किसी की नजर लग जाती है यार। आज सच में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, सैम क्यों मिलाया तुमने मुझे। देखो मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया, जो डिसीजन लो ना अपने ऊपर लेना, मुझे अलग कर देना,
ठीक है, फिर दोबारा तुम दोनों मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मुझे कौशल से मिला दो, तुम्हें नहीं मिलाना चाहिए था यार। तुम इतनी यार मैं बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन तुमने अब इतना रिक्वेस्ट कर रहा है कोई मुझसे, तो यार मैं उसकी बात सुनूंगा ना यार। अभी जो मुझे तकलीफ हो रही है ना वो यार बता दो उनको यार, हम क्यों अलग हो रहे हैं यार, किस लिए अलग हो, क्या रीजन है। बहुत ही खराब है, आप लोग भी मतलब बहुत इमोशनल हो जाओगे, बहुत ही गंदा रीजन है जिस वजह से हम अलग हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं होता, और हमने पता बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश क्या, नहीं 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 बहुत संभाला, मगर कुछ होता है ना यार, कुछ बातें होती है ना, बहुत सी बातें होती हैं जो कैमरे पर शो कर दी जाती हैं, बहुत सी बातें होती हैं जो किसी को भी नहीं बता सकती, इवन अपने फैमिली मेम्बर को भी हम नहीं बता सकते। तो बहुत मतलब वो वर्ड्स में क्या कैमरे के सामने भी बयान आज, बस मुझे आज मैं से बताऊँ इतना अंदर से रोना आ रहा है ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये मारा मेरा फेस तो सामने से है ही ऐसा है ना, दिल मेरा इतना रो रहा है ना, पूछ मत यार, दिल मेरा बहुत रो रहा है। बस जो भी हो मैं अलग हो रही हूँ ऐसे चैनल से, अलग हो रही हूँ कौशल की लाइफ से, अलग हो रही हूँ, तो प्लीज़ यार इसके लिए अपना प्यार मत कम करो। ये बहुत अच्छा इंसान है, जो भी आप लोगों ने कमेंट किया चीट कर रहा है था, कुछ नहीं कर रहा है ये मेरे साथ, बट रीज़न जो है वो आप लोगों को वही बताने के लिए आए हैं, क्योंकि इतने सारे कमेंट किए आप लोगों ने तो बताना ज़रूरी है। उसको भी बहुत बुरा लग रहा है, कौशल को बोल रहा हूँ भाई चैनल बंद मत कर, ये कह रहा भाई लास्ट वीडियो बना के ब्रेकअप वाली और हाँ बंद कर देते हैं, आज मेरी फाइनल लास्ट वीडियो है, ये हमारी लास्ट वीडियो है, बट चैनल मत बंद करो कौशल, आगे दिखाओ उनको, अपडेट रहो उन लोगों के साथ। मैं नहीं यार, मैं वो नहीं हंस सकता, जैसे पहले मुस्कुराहट थी यार एक वीडियो में, अलग थी वो, ट्राई करो कौशल चैनल, हर जगह मुझे ये याद आएगी उस टाइम, मैं क्या कैसे करूँगा यार, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मैं इनसे मना कर रहा हूँ कि मत हो अलग मत हो, लेकिन ये लोग मेरी एक बात नहीं सुनता है, कि हम दोनों का मामला है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो तू क्यों कौन होता बीच में, जब मैं इन दोनों को मिला सकता हूँ ठीक है, तो मतलब मैं इनके मैटर में बीच में बोल भी नहीं सकता, अब इनके मैटर में बोलूँ तो गलत भी खुद ही बनूँ, मैं क्या कर सकता हूँ बताऊँ यार। अब तीन में से हम दो बचेंगे साथ में यार, हम कहीं भी जाएंगे ना यार, कहीं भी जाएंगे तो हम दोनों यार मतलब अकेले अकेले कैसे घूमेंगे यार, कैसे हंसेंगे, वो अब हंसेंगे भी तो यार अगला इंसान याद आएगा मुझे यार वहाँ पे। जो दिक्कत आई है ना हमारे बीच, वो भगवान किसी भी रिलेशनशिप किसी भी कपल के बीच ऐसा ना करे, क्योंकि यार हमें आज लग रहा है कि कितना मुश्किल होता है किसी एक से अलग होना, हमसे तो बोला भी नहीं जा रहा है, बट जो बताने के लिए है वो बताएंगे आपको। कौशल भाई बहुत देर हो चुकी है, बता दो क्यों अलग हो रहा है, बताना तो पड़ेगा ही, बता दो यार क्या बताऊँ कैसे, तो यार चलो बताने पड़ेगा यार। तो गाइस यार मैं आपको बताऊँ क्या रीज़न है और क्यों हम अलग हो रहे हैं, बस यार आप कमेंट अच्छे करना है ना, और आपकी मर्ज़ी है वीडियो लाइक करे ना करे, आपकी मर्ज़ी यार, वो मैं बताता हूँ क्यों अलग हो रहे हैं यार ठीक है गाइस। तो आप लोगों के लिए एडवांस में हैप्पी अप्रैल फूल, बोल देते ना ये हमारी लास्ट वीडियो है, इस मंथ की लास्ट वीडियो है भाई, मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, ठीक है हम अलग नहीं हो रहे और कभी भी हम अलग नहीं होंगे ठीक है, और प्रैंक जो है ना इस बार आपके ऊपर आपके ऊपर प्रैंक था। तो यार कुछ नया लेके मैं सोचा था कुछ नया लेके आऊँ, नया लेके आऊँ, तो मायरा मेरी बातें हो रही थी रात में, तो हम दोनों ने सोचा कि उन्हें यार मतलब मेरे पास डीएम कर रहे, तुम्हारे पास डीएम कर रहा, कमेंट भी आ रहे थे वीडियो में, तो कुछ प्रैंक करते ही रहते हैं, हमने सोचा क्यों ना आज अपनी ऑडियंस के ऊपर प्रैंक करते हो, अगर आज अगर आपको बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी, दिल से लगता है भाई सॉरी यार, प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ और सॉरी यार आपने प्यार दिखाया ना, मैं बहुत खुश हूँ सच में, और हाँ कौशल मुझे चीट नहीं कर रहा और ये ना कभी कर पाएगा ठीक है, और जो भी इसको ये वीडियो बनाता है ना सबसे पहले मुझसे पूछता है, मेरे हाँ करने के बाद ये वीडियो बनाने आता है, तो प्लीज़ इसके लिए कोई भी गलत कमेंट ना करें ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप लोग ऐसे बोलते हो, लेकिन सही है मेरे साथ हो आप, अनसब्सक्राइब करने की बात कर रहे थे, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, हाँ यार सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी इतनी मेहनत करते हैं यार,
तो यार सॉरी यार, मतलब भी आप शुरू में जाते ही मतलब रोने लगे होंगे यार, कोई कोई तो है ऐसा मतलब जो फैन है जो महिला तगड़ वाला फैन है जो चाहता है वो दिल से वो तो रो भी जाते हैं, तो सॉरी उसके लिए यार, दिल से सॉरी। तो बस यार आप लोगों को प्रैंक करना था, कुछ नया करना था, तो इसलिए बस खाली तो लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट अच्छे करना। आप वीडियो देखिए प्लीज भाई, लेकिन गलत कमेंट मत कीजिए यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। तो हम तीनों के इंस्टा आईडी आ रही होगी, ठीक है, एक एक करके, तो आप फॉलो कर लो उनको, ठीक है, तो नीचे भी लिंक होगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो बस यार, वीडियो शेयर करो और प्यार दिखाना यार। तो बताओ कुछ नया क्या किया जाए, ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू।